हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वीडियोस की गाइस। तो हमने आपने देख ही लिया होगा टॉप 8 पोर्ट्स जिनके मैंने रिव्यूज़ किए हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर 1 पोर्ट कौन सा है। आज काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि GK2 लूँ या एक्सोस नैनो लूँ, AK2 लूँ या कोको प्राइम लूँ। तो आज आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से पोर्ट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। जो पोर्ट्स ऊपर वाली रेंज में होगा उसमें से आप कोई भी पोर्ट खरीद सकते हैं। अगर आपको बेस्ट पोर्ट लेना है, अगर आपका पोर्ट जो है जो आपको पसंद है वो 7 या 8 रेंज में आ रहा है और उससे ऊपर पोर्ट जो 6 रेंज में आ रहा है, अगर आपको उसी प्राइस में सेम प्राइस में वो पोर्ट मिल रहा है, तो आप मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप वो ऊपर वाली रेंज का पोर्ट लें। स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो और चेक करते हैं जी नंबर 1 पोर्ट कौन सा है जिनके मैंने रिव्यूज़ किए हैं। सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा मैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि दो किस्म के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो कि जिनको लाइक कोई भी चीज़ पसंद आ जाए, बेशक वो मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, जैसी भी हो, वो लोग बोझ नहीं करते कि इसकी चिपसेट कैसी है या इसकी प्राइस क्या है या इसकी रेंज क्या है या मेरे लिए बेस्ट क्या है या कि ये लॉन्ग रेंज तक चलेगा कि नहीं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि चीज़ कैसी है या उसकी चिपसेट कौन सी लगी हुई है या उसका टैंक कैसा है या पतली है, मोटी है, गोरी है। उनके लिए ये मायने नहीं रखता। तो इन टाइप्स के लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, हालांकि मैं भी इसी टाइप में आता हूँ। खैर, दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जब कोई चीज़ लेनी होती है तो वो पहले हर चीज़ देखते हैं, लाइक इसका डिज़ाइन कैसा है, ये लॉन्ग लाइफ है या नहीं है, इसकी बैटरी कैसी है, चिपसेट कैसा है, इसका टैंक लीक तो नहीं करता। तो उन लोगों के लिए जो चीज़ चेक करते हैं, जो चीज़ लेने से पहले डिसाइड करते हैं या देख लेते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं या फिर वो देखना चाह रहे होते हैं कि यार मेरे लिए बेस्ट चीज़ कौन सी रहेगी, किस पोर्ट में जो है वो लीकेज का इशू है या किस चीज़ में जो है वो मुझे बैटरी लाइफ बेहतर मिलेगी या कौन सी चिपसेट बेहतर मिलेगी, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चेक करते हैं हमारे पास नंबर 8 पोर्ट कौन सा है। तो नंबर 8 पे हमारा पोर्ट आता है कोको प्राइम। पहले वीडियो मैंने कोको प्राइम की डाली है तो ये नंबर 8 पे आता है। इसमें आपको 1 मैश के 2 कोयल मिल जाते हैं, 690 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी पुराना डिज़ाइन है ये। इसके पैनल्स जो हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें पैनल्स आपको वही मिलेंगे। इसके पैनल्स डिफरेंट कलर्स के मिल जाते हैं आपको मार्केट से, काफ़ी कलर सेलेक्शन इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपीरियंस की बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि इसका टैंक गर्म होता है। 15 वाट पे ये चलता है टैंक, और इसका जो इनहेलिंग लाइक माउथ टू लंग अगर आप इसको इनहेल करें तो काफ़ी नॉर्मल है। इतना ज़्यादा अगर मैं इसको मजीद आगे पोर्ट्स के साथ कंपेयर करूँ तो इतना बेहतर नहीं है, इसलिए ये नंबर 8 पे है और काफ़ी पुराना भी हो चुका है। तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑन नंबर 8, 15 वाट पे ये चलता है। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 4500 से लेके आपको 4800 टिकल मिल जाता है। बात करते हैं नंबर 7 पोर्ट की। तो नंबर 7 पोर्ट पे आता है AK2। अब AK2 में इशू ये है कि बैटरी इसकी बहुत कम है, लाइक बहुत ही कम बैटरी है। 520 mAh की बैटरी मिलती है आपको और 0.9 ohm के जो है वो आपको इसमें 2 टैंक मिल जाते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह का है कि आपको इसका जो कलर है ना, अगर आप इसको जेब में रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो इसका कलर फेड हो जाता है या उतर जाता है उस कलर उसका। और दूसरा ये कि काफ़ी बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट है। लाइक अगर मैंने बाकी पोर्ट्स जितने भी रिव्यूज़ किए हैं उसमें से अगर मैं इसको देखूँ तो ये सबसे लाइट वेट है और इसका कलर जो है वो उतर जाता है। अगर मैं इनहेलिंग की बात करूँ तो माउथ टू लंग ठीक है, क्योंकि मैंने जब इसको अनबॉक्स किया था उससे पहले मुझे लग नहीं रहा था कि इतना जो है वो इनहेल रजिस्ट करेगा मेरा, लेकिन काफ़ी रजिस्ट करता है इनहेल। लेकिन बैटरी की वजह से और इसका जो लैंड यार्ड है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट लैंड यार्ड अगर आप कहें तो वो AK2 का है। और दूसरा ये इसकी जो फ्लेवर विंडो है वो वन साइडेड है, लाइक एक साइड पे फ्लेवर विंडो आपको शो करता है, दूसरी साइड पे फ्लेवर विंडो आपको शो नहीं करता है। तो ये नंबर 7 पे है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है आपके पास X-Rose, जो सिंपल X-Rose जिसकी मैंने वीडियो की है उसकी बात कर रहा हूँ। टाइप सी इसमें चार्जिंग है, 11 से 16 वाट पे जो है वो चलता है और 800 mAh बैटरी, लाइक क्वाइट अ गुड बैटरी, ऑल डे लॉन्ग आपकी बैटरी ये गुजार जाएगा। और अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो 4000 से 4500 तक आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। X-Rose में आपको 1.2 और 8 ओम के जो है वो टैंक मिल जाते हैं। अब 1.2 और 8 ओम में फ़र्क क्या है? जितना ओम कम होगा, लाइक 0.8 है तो वो आपको ज़्यादा फ्लेवर देगा, क्योंकि 1.2 ओम जो है ना आपको एक तो हिट देगा, जो आपकी निकोटीन हिट लेना चाह रहे हैं वो हिट अच्छी देता है 1.2, और बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जितनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी, वोट कंज्यूम होगी, उतनी ज़्यादा हिट आपको आएगी। तो 1.2 ओम के जो कोयल हैं वो हिट आपको अच्छी देते हैं, और जिस तरह ही कम कोयल होते हैं 0.7 से लेकर 0.8 0.9
वो आपको फ्लेवर देते हैं, साथ आपको जो है नॉर्मल हिट देते हैं। तो नॉर्मल हिट और फ्लेवर अगर आप चाह रहे हैं तो आप कम ओहम का यूज़ करें, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको हिट ज़्यादा आए फ्लेवर कम आए तो आप ज़्यादा ओहम 1.2 ओहम निकल जाएँ। नंबर 5 पोर्ट की बात करते हैं। नंबर 5 पे है जी कोको प्राइम विजन। कोको प्राइम विजन आता है जी हमारा नंबर 5 पे। अगर आप इसकी स्पेक्स देखें तो काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं। तो 1 ओम के इसमें आपको 2 कोयल मिल जाती हैं, टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है। बैटरी की अगर बात कर लें तो 690 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन कोको प्राइम विजन इज इसका लैंड यार्ड। कोको प्राइम और कोको प्राइम विजन दोनों में ही इसका लैंड यार्ड जो है वो काफ़ी लाइक खूबसूरत कह लें आप, ब्यूटीफुल कह लें, बहुत ही प्यारा लैंड यार्ड इसमें दिया गया है। और इसका जो फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है अगर आप उसको कंपेयर करें खाली कोको प्राइम के साथ। तो विजन का जो फ्लो है वो भी काफ़ी बेहतर है। डिज़ाइन की बात कर लें, सेम डिज़ाइन है लेकिन इसके जो पैनल्स हैं काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, रोबोटिक पैनल्स में आपको इसमें लाइक इसमें ना कोई भी पिक्चर्स आपको मिल जाएगी, इसमें रोबोट पिक्चर होगी या कोई भी पिक्चर होगी। पुराने कोको प्राइम में आपको ये पिक्चर नहीं मिलती थी, कोको प्राइम विजन में आपको ये पिक्चर मिल जाएगी। बैटरी की बात कर लें तो सेम है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 5500 से लेके 5800 की रेंज में मिलता है। तो ये था जी हमारा नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास ड्रैग नैनो 2 आ जाता है। ड्रैग नैनो 2 आप लोगों को पता होगा ये भी बेस्ट सेलर रहा है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा काफ़ी प्यारा है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है डिज़ाइन। दो किस्म के इसमें डिज़ाइन आते हैं, एक आपको लेदर लुक दी गई है, एक आपको जो है वो बिल्कुल एलुमिनियम लुक दी गई है आगे से। तो दो डिज़ाइन है, काफ़ी कलर्स है इसमें, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। स्पेक्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ड्रैग नैनो 2 के अंदर। 800 mAh की बैटरी आती है इसके अंदर, 0.8 और 1.2 ओम का जो है आपको इसके साथ कोयल मिल जाता है। इसके अलावा इसका डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, नो डाउट। 8 से 20 वोल्ट पे चलता है ये, वोल्टेज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक अगर आप पिछले पोर्ट जो मैंने आपको बताया उनकी बात करें तो कोई भी 20 वोल्ट पे अभी तक नहीं गया है। ड्रैग नैनो 2 20 वोल्ट पे चलता है। प्राइस की अगर बात कर लें तो इसकी मार्केट प्राइस अभी 5000 से लेके 5500 तक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट स्टोर्स कहाँ से आप बाय करते हैं। 5000 से 5500 तक इसकी प्राइस रेंज। बात करते हैं पोर्ट नंबर 3। जो थर्ड नंबर पे पोर्ट आता है वो आता है वी थ्रू प्रो। काफ़ी लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि वी थ्रू प्रो जो है वो मार्केट में बेस्ट सेलिंग जा रहा है, तो यार बेस्ट सेलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि वो नंबर 1 पे आ जाएगा। अब आप कोको प्राइम की बात कर लें, 104,000 व्यूज़ हैं उस वीडियोस पे मेरे, तो इसका मतलब है लाइक कोई भी वीडियो आप अगर निकाल लें यूट्यूब से तो कोको प्राइम पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्ट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोको प्राइम जो है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है या कोको प्राइम जो है वो टॉप पे होना चाहिए। द थिंग इज़ के आप अगर कंपेयर करें इनको दूसरे पोर्ट के साथ, देन यू कैन फाइंड आउट कि यार कौन सा पोर्ट बेहतर है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि यार मार्केट में कौन से ज़्यादा जो है वो सेल हो रहा है या मार्केट में कौन सा ज़्यादा चल रहा है। मार्केट में सारे ही जितने भी पोर्ट के मैंने रिव्यूज़ किए हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वी थ्रू प्रो में अगर आपको OLED स्क्रीन दे दी गई है जो आपको पफ पॉइंटर और वो चीज़ें बताता है बाकी, तो वो नंबर 1 होगा। खैर एक व्यूवर का कमेंट आया था मुझे कि यार वी थ्रू प्रो जो है वो मार्केट में द बेस्ट सेलर जा रहा है, तो मैंने उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स क्यों दिए हैं। नेगेटिव थॉट्स ये दिए हैं कि यार वी थ्रू प्रो जो है वो उसका जो टैंक है अगर आप उसको इनहेल करते हैं तो उसका टैंक ना काफ़ी गर्म हो जाता है, लाइक दिस इज़ माई सजेशन। तो क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किए हैं सारे पोर्ट तो इस वजह से लाइक, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसका टैंक गर्म ना होता लाइक इनहेलिंग करते वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिन जिनके पास वी थ्रू प्रो है उसको इनहेल करके देखें और बाकी पोर्ट्स को इनहेल करके देखें तो इसका टैंक बाकी पोर्ट्स की निस्बत ज़्यादा गर्म होता है। और अगर इसका टैंक गर्म ना होता तो डेफिनेटली ये नंबर 1 पे होता आज तक। खैर इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके साथ आपको एक OLED स्क्रीन मिल जाती है, 0.7 और 1.2 ओम के इसमें आपको कोयल मिल जाते हैं। 0.7 का बहुत ही नीचे कोयल है, लाइक अगर आप इसमें फ्लेवर लेना चाह रहे हैं तो 0.7 का यूज़ कर सकते हैं आप। 1.2 ओम का कोयल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थ्रोट हिट चाहिए या आप निकोटीन हिट लेना चाह रहे हैं। 50 mg निकोटीन दिखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारे पोर्ट्स में। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 900 mAh इसकी जो है बैटरी है, 900 mAh। और इसकी वोल्ट्स की बात करते हैं तो ये 5 से 25 वोल्ट जो है इसमें आपको चलते हैं, 25 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोल्ट्स आप इसमें बढ़ा सकते हैं, लाइक 25 वोल्ट्स इज़ मोर देन इनफ। और 0.69 की इसमें OLED स्क्रीन दी गई है जिसके थ्रू आप अपने पफ काउंटर देख सकते हैं, जिसके थ्रू अपनी बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मार्केट में सबसे महंगा है, इसकी प्राइस है 6000 से लेके 6800 तिकर, अगेन डिपेंडिंग ऑन मार्केट कहाँ से आप ले रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं आप, कौन सी वेबसाइट से या कौन से वेब स्टोर से आप ले रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट बिल्कुल है ये, बट अगेन टिप इसकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से मैं इसको थर्ड नंबर पे गिरूंगा। तो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारे पास GK2। यस,
GK2 इसलिए नंबर 2 पे आता है क्योंकि पहले कोई भी पोर्ट या कोई भी आप किसी भी कंपनी का पोर्ट देख लें उसमें इतनी प्यारी डिजाइनिंग नहीं की गई है। उसका काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, लैंडयार्ड इसके साथ आपको जो आता है येलो कलर का, बहुत ही प्यारा लैंडयार्ड है। कोको प्राइम और ड्रैग नैनो 2 या एक्सोस नैनो जो है उनके लैंडयार्ड काफ़ी बेहतर हैं। तो नंबर 2 पे रखने की वजह यह है कि इसका जो इनहेलिंग पावर है वो भी काफ़ी बेहतर की गई है, इसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतर किया गया है, इसकी लाइट्स काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप इसकी लाइट्स चेक करें, जिन्होंने यूज़ नहीं किया या जो लेना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली लें इसको, क्योंकि ये पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। अगर इसकी कॉइल्स की बात करें तो 0.8 और 1.2 मैश के जो है इसके साथ कॉइल आते हैं आपको, और बैटरी की बात कर लें तो 690 एमएएच की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। 18 वोल्ट पे चलता है ये, और प्राइस की अगर बात कर लें तो 6000 से 6800 की रेंज में ये आपको मिल जाता है। महंगा इसलिए थोड़ा सा ब्लैक में बिक रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लैक में जो है वो लोग इसको बेच रहे हैं, जिनके पास थोड़े रह जाते हैं वो प्राइस ज़्यादा रख के आपको सेल कर देते हैं। लेकिन डिफरेंट वेबसाइट और डिफरेंट वेब स्टोर पे आपको जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन मिलेगी, तो 6000 से 6800 की रेंज में आपको ये मिल जाता है। तो बात करते हैं नंबर 1 पोर्ट की। नंबर 1 पोर्ट है गाइस, यस, एक्सोस नैनो। आप लोगों को, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं पहले से, डेफिनेटली उनको पहले ही पता होगा कि नंबर 1 पोर्ट कौन सा है या मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ। अब नंबर 1 पोर्ट एक्सोस नैनो क्यों है? सबसे बड़ी बात जो है वो इसकी बैटरी, 1000 mAh की बैटरी है जो कि आपके 2 दिन निकाल जाती है, एंड फास्ट चार्जिंग है, लाइक आपकी बैटरी 45 मिनट्स में जो है वो चार्ज कर देता है। कोयल की बात करते हैं, 0.8 और 1.2 मैश के जो है इसमें आपको कोयल मिल जाते हैं। लैंडयार्ड की बात करें तो आपको इसमें बहुत ही प्यारा लैंडयार्ड मिलता है, जैसे आपको ड्रैग नैनो 2 का लैंडयार्ड है, जिंक मेड लैंडयार्ड कहते हैं इसको। तो दोनों के लैंडयार्ड काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी प्यारी लुक देते हैं आपको। अगर मैं डिज़ाइन की बात कर लूँ तो डिफरेंट डिज़ाइन है एक्सोस नैनो का, और काफ़ी वेट है इसका, लाइक इसका काफ़ी वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्ट्स। वो वेट इसलिए है क्योंकि बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है, और एल्युमिनियम केस दिया गया है, तो एल्युमिनियम केस की वजह से इसकी बैटरी जो है वो एल्युमिनियम केस की वजह से इसका जो वेट है वो ज़्यादा है। टाइप सी चार्जिंग केबल है इसके साथ, बैटरी 1000 mAh बता दिया मैंने आपको, और 20 वॉट पे चलता है ये। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 5500 से लेके 5800 तक आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए है, जो लोग नया पोर्ट लेना चाह रहे हैं या जो लोग पोर्ट चेंज करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बेस्ट पोर्ट लिया जाए, जो भी आपकी प्राइस रेंज है, लाइक 6000 की रेंज के अंदर सारे पोर्ट जितने भी मैंने रिव्यू किए हैं वो आ जाते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं बेस्ट पोर्ट लेना, तो मैंने आप लोगों को लिस्ट बता दिया है, टॉप 8 पोर्ट्स हैं। अगर आपका पोर्ट जो आपको पसंद है वो 8 या 7 की लिस्ट में आता है या 7 नंबर पे आता है, तो आपको आज पता चल गया होगा कि आपको कौन सा पोर्ट लेना है या कौन सा पोर्ट मैंने किस कैटेगरी में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको टॉप 8 पोर्ट्स बता दिए हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी पोर्ट बाय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे तो इजाज़त, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।